हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ इस फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग। तो इस फ्रॉक को बनाने के लिए मैंने 2 मीटर डिजिटल क्रेप फैब्रिक लिया है। सो फ्रेंड्स, ये एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को इस तरह से ले लिया है साइड से, और हम पहले टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने टॉप पार्ट की फुल लेंथ मैंने ये 70 इंच पर ली है, और इसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। मार्जिन भी इसी में ही ऐड है। तो इस तरह से हम इसे एक सार कर लेंगे। तो टॉप पार्ट का जो शोल्डर है वो 7 इंच है, तो इस तरह से 7 इंच पर मार्क करेंगे। आर्म होल पे भी 7 इंच का मार्क करेंगे। फिर हमने चेस्ट का चौथाई भाग लेना है, 9 इंच पर मार्किंग कर देनी है, और इस तरह से अपने आर्म होल में शेप दे देनी है। फिर हम अपनी कमर का माप लेंगे, तो इसका चौथाई भाग 7 इंच है। इस तरह से इन दोनों मार्क को मिला देंगे। फिर 1.5 इंच का मार्जिन भी लेना है। अब नेक की मार्किंग करेंगे, तो इस तरह से नेक की भी 2.5 इंच, और इस तरह से इसकी जो लेंथ है नेक की वो 6 इंच है इस तरह से, और एक बॉक्स बना लेंगे। फिर हमने बैक नेक की विड्थ हमने वही रखनी है 2.5 इंच ही, और इसकी लेंथ हमने 2.5 इंच रखनी है। और फिर हमने इस बैक नेक में गोलाई दे देनी है। आगे का जो नेक है उसमें हम वी शेप देंगे इस तरह से। अब हम अपने इस पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जो हमने मार्किंग की है उनको हम कट कर लेंगे। पहले हम बैक नेक कट करेंगे इस तरह, फिर हमने अपना एक पार्ट अंडर वाला हटा देना है इस तरह से, और इन दोनों को हमने इस तरह से मिला करके हमने अपने फ्रंट भाग की भी कटिंग करनी है नेक की। तो ये हमारे दोनों नेक कट चुके हैं गले, और इस तरह से हम अपने टॉप पार्ट को इस तरह से रखेंगे। फिर हमने ये एक पट्टी ली है जो कि 1.5 इंच चौड़ाई है इसकी। इस तरह से हमने इन्हें ट्रायंगल शेप में सील लिया है, और फिर हमने इन दोनों पट्टियों को इस तरह से अपने फ्रंट नेक पे रख करके स्टिचिंग कर देनी है। फिर हमने बैक नेक के लिए भी हमने उरेब पट्टी काट ली थी, तो ऑलरेडी मैं आपको हर वीडियो में बताती ही हूँ कि उरेब पट्टी कैसे कटती है। तो इस तरह से रख करके हमें इन्हें स्टिच कर देना है। ये देखिए, ये हमने इन्हें स्टिच कर लिया है। अब हम इन्हें पलट करके भी स्टिच करेंगे। तो इस तरह से पलट करके हमने इन पे सिलाई लगानी है। इसको भी हमने इसी तरह से पलट करके सिलाई लगानी है। तो 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है हमने, और इस तरह से इस पे सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए, हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसे रखेंगे, और इस पर हम अपना बैक पार्ट रखेंगे, और जो ये ऊपर खावे हैं हम इन दोनों को अटैच कर देंगे एक दूसरे से, और सिलाई लगा लेंगे। फिर उसके बाद हमने यहाँ एक इलास्टिक लगानी है। इसकी लेंथ मैंने 3 इंच रखी है, आप चाहे तो 4-5 इंच भी रख सकते हैं। और इसे इस तरह से खींच करके हमने स्टिच कर देना है। तो इस तरह से हमने इसमें खींच करके सिलाई लगाई है, ये देखिए। अब हम अपने इसके नीचे के घेर की कटिंग करेंगे, और हम अपनी स्लीव्स की भी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से जो हमारा कपड़ा बचा था उसे हमने इस तरह से 2 फोल्ड करके रख लिया है। एक साइड से हमारे घेर कट जाएंगे, जो बाकी की साइड्स होगी उसमें से हम अपने टॉप पार्ट की बाजू कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने 2 फोल्ड करके इसे ट्रायंगल शेप में इस तरह से बिछा लिया है कपड़े को अच्छी तरह से। जो भी हमारी कमर का मेजरमेंट है, जैसे कि 28 इंच है, तो उसका चौथाई भाग हमने करना है, और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरह से 8-8 इंच पर हमने ऊपर से मार्किंग कर लेनी है। हमने अपने घेर की टोटल लेंथ 23 इंच रखनी है, तो इस तरह से 8 इंच का ऊपर हमने लेना है, और फिर टोटल हमने 31-31 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरह से 31-31 इंच पर हमने मार्किंग कर ली है। के बाद हमें कट कर लेना है ऊपर से। फिर जो हमने नीचे मार्किंग करी है उसको भी हमने इस तरह से कट कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए, मैं आपको ज़रूर कमेंट का रिप्लाई दूंगी।
और मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको समझाने की। तो ये हमारे नीचे की घेर कट गए हैं, जो साइड का कपड़ा है वो हमने इस तरह से रख लिया है। अब हम इसे इस तरह से टू फोल्ड तो ये ऑलरेडी है ही, फिर इसे हम फोर फोल्ड करेंगे इस तरह से। फिर हमने अपने स्लीव्स की लेंथ रखनी है, यानी कि अपनी बाजू की लंबाई रखनी है जितनी भी हम रखना चाहते हों। तो मैं इसकी लंबाई रेडी जो मैं इसकी लेंथ रखूँगी 25 इंच की रखूँगी। इसमें से ही जो मुझे नीचे से बॉटम के लिए मोड़ना है मोड़ूंगी, और जो ऊपर से हमारा सिलाई दबेगा वो भी। तो इस तरह से हमने अपने टॉप पार्ट के आर्महोल को रख करके निशान लगा लिया, और फिर हमने कुछ दूरी से 2.5 इंच का मार्किंग करा ऊपर से नीचे की तरफ। फिर इसमें हमने बाजू की शेप दे दी, फिर हमने नीचे लाइन ड्रॉ कर ली बॉटम की। अब हमने अपनी बाजू की यहाँ से मेजरमेंट लेना है और इसे टू फोल्ड करके हमारा जो भी आता है उस पर हमने मार्किंग करना है। 3 इंच पे मार्किंग करा, 1.5 इंच का हमने मार्जिन ले लिया। तो इस तरह से हमने ये लाइन इस तरह से सीधी करी, और अब हम इस स्लीव्स को कट करेंगे। तो बाजू हमारी कट हो चुकी है। नीचे की हमने जो मोरी है बाजू की, उन दोनों को इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी है दोनों में। ये देखिए सिलाई लगा ली है। अब हमने अपना टॉप पार्ट लेना है और इन दोनों स्लीव्स को हमने जॉइंट कर लेना है। मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हैं जिनमें मैं आपको जॉइंट करके दिखाती हूँ, और एक बार मैं आपको इस तरह से दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने रख करके इसे सिलाई लगानी है, फिर हमने यहाँ से स्टार्टिंग करनी है और इस तरह से सिलाई लगानी है। सेम दूसरी साइड भी हमने इसी तरीके से जॉइंट कर लेनी है स्लीव्स को। ये देखिए हमने दोनों स्लीव्स अपनी अटैच कर ली है, सी ली है। अब इसके बाद हमने अपनी इस टॉप पार्ट की फिटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने अच्छे से मिला करके सिलाई लगानी है जो भी हमारी फिटिंग है, और इधर वाली साइड से भी हमने अपनी बाजू की और टॉप पार्ट की फिटिंग कर लेनी है। तो ये मैंने फिटिंग कर ली है और मैंने इसे सीधा भी कर लिया है। अब हम अपने घेर की सिलाई लगाएंगे और इसे अपने टॉप पार्ट में अटैच करेंगे। तो ये हमारे घेर है, इस तरह से दोनों साइड जो है हमारी ये ओपन वाली हमने इन्हें सिल लेना है। तो वो इस तरह से हमने इन्हें सिल लेना है, और फिर हमें ये जो नीचे की मोरी है, ये जो घेर है, इन्हें भी हमने सिल लेना है थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके। ये देखिए ये हमने सिल लिया है, ये देखिए, देख लीजिए अच्छे से, और ये इसी तरह उल्टा ही रहेगा। अब जो हमारा टॉप पार्ट है ये इसी तरह बिल्कुल हमने इसके अंदर ले जाना है, और जो हमारी साइड की सिलाई है इस तरह से इन दोनों को मिला करके सबसे पहले हमें इन्हें पिनअप कर लेना है। दूसरी साइड से भी हमने इसे पिनअप कर लेना है। पिनअप करने से बहुत ज़्यादा आसानी होती है टॉप पार्ट को अटैच करने में। तो इस तरह से इन्हें दोनों को मिला करके हमने सिलाई लगानी है, पूरे में सिलाई लगानी है। ये देखिए सिलाई लगा ली है। अब हम इसे खोल करके दिखाएंगे। ये हमारा रेडी हो चुका है, इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। सो फ्रेंड्स, आपको इस तरह की प्यारी प्यारी फ्रॉक अगर और सीखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हमारी वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।